हाँ तो सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। मैं आप सबका दीनी भाई अफ्फू खान, उत्तर प्रदेश अलाहाबाद से। तो सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस के जो उलमा हैं और जो दाई हैं, उनकी जो दावत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो धीरे धीरे जो हमारे जो बरेलवी मसलक के जो आलमे दीन हों उनके ऊपर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो असर है वो आना चालू हो गया है। अब जो बात जो हम थे और जो हमारे उलमा थे वो सालों से ये कहते आ रहे हैं कि ये सब काम छोड़ दो और बंद कर दो, तो जो बिदती लोग थे वो हमको गालियां देते थे, कहते थे तुमको तो हर चीज़ में बस शिर्क 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 दिखता है, बिदत 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 दिखता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी समझ चुके हैं कि जो अहले सुन्नत हैं अहले हदीस हैं जो वो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं और उनकी बात सही है, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इसलाह की और अपनी आवाम को भी वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और उनकी इसलाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूफी कलीम हनफी रजवी बरेलवी, आइए उनका वीडियो देखते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वही बातें कह रहे हैं जो हम अहले सुन्नत अहले हदीस हम सालों से कहते आ रहे हैं अपने बरेलवी भाइयों की इसलाह के लिए। तवाफ न करें और जब मजमा ज्यादा हो मजार को न चूमे, औरतों को मजार को न लेकर जाए, कव्वालियों की महफिल मुनाकिद न करें, इन बिदआत से अहले सुन्नत व जमात को नुकसान हुआ है। मुहर्रम में ताजियादारी न करें, मुहर्रम में सियाह लिबास हरा लिबास लाल लिबास न पहने, इमाम हुसैन की याद मनाए लेकिन शियों जैसी महफिलें कायम करके कपड़े फाड़ना नोहा करना सवारी उठाना गमे हुसैन में इमाम हुसैन का सोग मनाना, ये सारी बिदात और खुराफात से अपने आप को बचाइए। मोहब्बत अहले बैत का मतलब यह है कि इमाम हुसैन के मिशन पे कायम रहिए, हुसैनी बनकर रहिए। दादी दिया हमें बिदातों से बचिए, नियाज़ो फातिहा में जो बिदात राइज है उनसे बचिए, और इसी तरीके से खास तौर से मजारों पे जो बिदाते हैं, घोड़ा बांधने की, नाड़ा बांधने की, ये चुटिया काटने की, कुछ लोग मिन्नत मान लेते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हो जाए 7 साल के बाद चुटिया काटूंगा। ये क्या हिमाकत है यार, इस्लामी तरीका ये है कि बच्चा पैदा हो तो 7 दिन बाद उसके बाल काटे जाए। बहुत अच्छा पैगाम। रसूलुल्लाह के 4 साहबजादे थे, रसूलुल्लाह ने अपने नवासों का भी ऐसे ही मामला किया हसन हुसैन, और उनके बालों के बराबर चांदी सदका कर, ये 7 साल तक बाल ना काटना, फकीर बनाना, मुहर्रम में भीख मंगवाना घर घर, ये क्या हिमाकत है, ये सब नाजायज और हराम है। ये सुन्नियत नहीं है, ये बरेलवियत नहीं है। आज मजारों पे जो ये खुद्दाम साहबा पे भोंकने वाले ये उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया तीर बैठे हुए हैं, ये टामक दुनिया सरकार बैठी हुई है, ये 10 उंगली में 20 अंगूठी पहनने वाले ये नंगे फकीर बैठे हुए हैं, ये भिख मंगे जो नंगे बैठे हुए हैं और लोग इनको चूम रहे चाट रहे, जिनको न बाल काटने की तमीज है। तो ये है फारूक खान रजवी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर भी जो अहले सुन्नत हैं अहले हदीस हैं उनकी जो दावत तौहीद और जो शिर्क और बिदत के जो खिलाफ जो नफरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर भी धीरे धीरे आ रही है। और अल्लाह सुबहान तआला से हम दुआ करते हैं कि सूफ़ी कलीम हनफी रजवी और फारूक खान रजवी, इन दोनों को अल्लाह सुबहान तआला हिदायत दे, क्योंकि फारूक खान रजवी ने भी अपनी जाहिल आवाम को इतना ज़बरदस्त उनको धोया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गई। अभी इतनी धुलाई अगर हम लोग करते तो लोग हमें पता नहीं वहाँ बड़ा खबीज़ और पता नहीं क्या क्या बना देते, लेकिन बरेलवियों के अल्लामा फारूक खान रजवी नागपुरी, इन्होंने जो बरेलवियों को बिना साबुन के धोया है अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया, अल्लाह इनको हिदायत दे। आइए देखते हैं इन्होंने अपनी आवाम को किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह समझाया, जैसे हम लोग समझाते हैं इनके आवाम को वैसे ही इन्होंने अहले हदीसों के अंदाज में अपनी आवाम की इसलाह करने की। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये सब सुन्नियों में यही सब चीज़ें रहती है, फजूल गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, जो फ़राइज़ है वाजिबात है उस पर रत्ती बराबर तवज्जो नहीं है। हज़ारों सुन्नतें हैं जिसको तर्क करके बैठे हुए, हज़ारों सुन्नतें जिस पर अमल नहीं होता, लेकिन खामो खां गैर ज़रूरी चीज़ें। अब सहरी मुबारक ये नया चुछलाबाजी निकाले, अब कल लाएंगे अफ्तारी मुबारक, फिर उसके बाद लाएंगे जोहर मुबारक, फिर असर मुबारक, बस सभी मुबारक भैया, पूरा 24 घंटे से मुबारक। एक जुम्मा मुबारक से अलग परेशान है आदमी,
कि बस जैसे जुमेरात के दिन मोबाइल नहीं खोले आपने मगरिब के बाद से, कि जो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जुमा मुबारक जुमा मुबारक, ऐसा लगता है यानी पूरा नाम है अमाल व्यक्ति ने किया भर गई कि अब बस इसी इसी पे जन्नत मिल जाएंगी जुमा। ये सब गैर जरूरी चीजें है यार, ये सुन्नियों में जहालत इतनी है कि कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल सही, क्या है इसमें कौन से सवाब और फायदे की चीज है? सहरी मुबारक, अब सहरी में मैसेज करते बैठे रहिए सहरी मुबारक। अब सहाबा इकराम के जमाने में तो मोबाइल नहीं था, तो क्या सहाबा इकराम एक एक दरवाजे खटखटा के जाते थे क्या? बहुत जाते थे सहरी के टाइम, बोलते थे सहरी मुबारक हो, या जुमे के दिन ऐसा सहाबा क्या कोई ऐसा सहाबा में कोई दस्तूर था कि जैसे जुमा आया तो सब एक दूसरे से मिलकर कहते रहे जुमा मुबारक हो? गैर जरूरी चीजें बस बोल देते हैं, और फिर हमारे बाज उलमा भी जो है दूर अंदेश नहीं और कुछ नहीं, खींच तान के फिर वो जाहिल अवाम उसको तरीके ईजाद कर लेती है, और फिर हमारे उलमा उसको सही साबित करने के लिए बिदत हसना और ये खींच तान के लाते। असल चीजों पे ध्यान दो यार, फरायजात फरायज और वाजिबात पर तो अमल नहीं होता, तो ऐसे मैसेज करने चाहिए, ऐसी बातें फैलाइए कि जो फर्ज है वाजिब है या सुन्नत है, तो कोई जो बुजुर्गों से नहीं कुछ नहीं, ना बुजुर्गों का तरीका है। क्या आला हजरत का था? क्या आला हजरत सहरी मुबारक बोलते थे? खामोखा की चीजें, ऐसे सवाल भी बचकाने लगते हैं और ये हरकतें भी बचकाने। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फारूक खान रजवी साहब ने आज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको इज्जत दूंगा क्योंकि इन्होंने पहली बार वाकई में इज्जत वाला काम किया है। बिल्कुल सही बात है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो इनकी जाहिल जो आवाम है पहले खुद से जो अमल होती है उसको ईजाद कर लेती है, फिर जो इनके जाहिल जो उलमा हैं वो उसको साबित करने लगते हैं, बिदत हसना है और ये बिदत फला है, अच्छी बिदत है। तो ये देखिए इसको कहते हैं अहले सुन्नत अहले हदीस की दावत तौहीद, और शिर्क और बिदत के खिलाफ जो जंग है उसका जो असर है वो जो बातिल हैं बिदती हैं बरेलवी हैं उनके जो आलम दीन हैं अल्लामा हैं उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यही चीज़ अगर अगर हमने कही होती या हमारे किसी उलमा ने कही होती, ये क्या सहरी मुबारक है, ये क्या जुमा मुबारक है, तो सारा जितने बरेलवियों के टोला है वो बस फतवेबाजी चालू कर देता रहे, ये तो वहाँ बड़ा है अहले खरबीस है, और बताओ जो सहरी है सहरी की नहीं दे रहा मुबारकबाद, और देखो जुमा इतना अफजल दिन है उसको ईद भी कहा जाता है उसकी नहीं दे रहा है मुबारकबाद, तो फौरन हमको पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, गंदी गंदी गालियां और सब चालू कर देते हैं। लेकिन अगर वही चीज अगर इनके जमात के लोग कहें तो भैया इनके समझ में आती है, तो भैया दोगला उसूल क्यों? जो सही बात है अगर मेरे भाई बरेलवी कहें उनकी भी मानो, देवबंदी कहें उनकी भी मानो, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस कहें उनकी भी मानो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि सूफी कलीम हानफी रजवी और फारूक खान रजवी, इन दोनों के लिए आप तमाम हजरात अहले तौहीद लोग इनके लिए खूब दुआएं करें, अल्लाह सुबहान व तआला इन दोनों से अपने दीन का जो काम है उसको ले ले और इनको हिदायत दे, और जो मनहज सहाबा है उस पर चलने की तौफीक दे, और अंधी पैरवी अंधी तकलीफ से इन सबको तौबा करने की तौफीक दे, और अल्लाह सुबहान व तआला इनको अहले सुन्नत अहले हदीस बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।